जय माता दी, जय करा माता पिंगला देवी दा। जैसे हमारे करण जी ने कहा कि ये यात्रा जो जम्मू से माता पिंगला देवी रामनगर में जो हर साल अपनी हाजिरी लगाने के लिए जाती है, इस यात्रा का जो खासकर आज का जो उद्देश्य है, ये जो इस वक्त कोविड महामारी चल रही है, मैं अपने मन में ये सोचकर चलाऊँ कि इस कोविड महामारी से हमारे देशवासियों को, हमारी पूरी दुनिया को, इस जो कोविड महामारी ने जो अपनी शरण में ले रखा है, इसको मुक्ति मिले। ये कोविड महामारी जल्दी से जल्दी जहाँ से खत्म हो और हमारी जो देशवासी हैं वो खुशहाल अपनी ज़िंदगी जिए। जाकर यहाँ जो भक्त यहाँ पर जाते हैं यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, हर साल यहाँ पर ये एक आदमी ने, ये महंत हमारे अश्विनी ठाकुर जी, इन्होंने शुरू की थी और ये बढ़ते बढ़ते मनोकामनाएं वहाँ पर पूर्ण होती हैं। मेरी माता जी की माता का मनोकामना भी वहाँ पर पूर्ण हुई थी और ये यात्रा बढ़ती जा रही है। माता पिंगला बहुत सच्ची है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ करूँगा कि रामनगर में जाकर इस माता के दर्शन अवश्य करें। जय माता। बाहर अगर आप देखें तो इस किस्म से जो है SOP की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, जहाँ तक बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की, तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये आप देख सकते हैं कि किस किस्म से यहाँ लोगों की तरफ से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और प्रशासन जो है वो नमस्कार आप JK बैंक में किस कदर SOP की जो है धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और यहाँ तक सरकार जो है SOP के गाइडलाइन के मुताबिक लोगों को अवेयर कर रही है, लेकिन JK बैंक की फैसिलिटी जो है वो लोगों को तक नहीं पहुंच पा रही और लोग जो है घबराए हुए हैं कि कहीं ना कहीं सरकार ऐसा ना करे कि किसी भी टाइम लॉकडाउन कर दे, क्योंकि निशारा के केस जो है, बढ़ते हुए केस जो है, वो लोगों के लिए बहुत ही बड़ा विषय बन चुके हैं। और कल ही जो है एक प्रोफेसर जो जम्मू से आ करके सुंदरबनी में उसका जो है कोरोना टेस्ट होता है और टेस्ट होने के बाद 3 बजे रिपोर्ट आती है और उस प्रोफेसर के साथ 2 प्रोफेसर और भी जो है संपर्क में थे और आकर के उन्होंने बच्चों को भी पढ़ाया। वो एक लोगों के अंदर बहुत बड़ा एक चिंता का विषय था कि कहीं ना कहीं जो है निशारा के बढ़ते हुए केस जो है हमारे बैंकों के ऊपर असर ना देखा जाए, कि बैंक को कहीं बंद ना करना पड़े। और ये चीज़ सोचकर लोग जो है हर दिन बैंकों में जो है काफ़ी भीड़ कर रहे हैं और हम आपको निशारा की कुछ तस्वीरें जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग, JK बैंक की ग्राउंड रिपोर्टिंग हम दिखाना चाहते हैं कि किस किस्म से लोगों ने आज फिर जो है धज्जियाँ उड़ाई। और लोगों को जहाँ तक अवेयर होना चाहिए था कि हम बार बार अपने चैनल के माध्यम से लोगों को अवेयर करते हैं कि आप जो है बिना ज़रूरत बाज़ार में ना निकलें, बिना ज़रूरत जो है आप किसी बीमारी को अपने घर मत लेके जाएं। ये वायरस हर दिन जो है अपना रंग दिखा रहा है और लोग जो है ये काफ़ी हद तक जो है समझाने के बाद भी नहीं समझ आ रहा है बैंक की क्या कमी रही कि इतनी भीड़ बैंक ने क्यों इकट्ठी की और उनको जो है सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। जी हम जो है निशारा प्रशासन से अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द बैंकों के ऊपर ध्यान दिया जाए और साथ में जो लोग भीड़ कर रहे हैं इनका एक सिस्टम बनाया जाए जिससे जो है बाजार के ऊपर गलत असर ना पड़े। आप देख रहे थे JK न्यूज़ ब्रेक, मोहनलाल छिबर के साथ निशारा। ब्रजराज देव हुए, संपूर्ण देव हुए, ट्राइज करें, कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। और यहाँ सिर्फ ये बात नहीं है कि हम किसी हेरिटेज को सजा रहे हैं, ये हमारा एक ये भी पर्पज़ होता है कि हमारी हेरिटेज को देखने के लिए बाहर से लोगों के लिए बाहर से लोग आते हैं। ये अगेन आप देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग फोटोग्राफ से थोड़ा आगे जाते हैं। मैं डोगराज म्यूजियम में एज ए कंजर्वेशन असिस्टेंट हूँ और मैं कला संरक्षण का काम करता हूँ। और यहाँ पर जो आज ये हेरिटेज वॉक हो रही है, ये हम सब मिलके जो मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी है
वो सब मिलके एनजीओ है, हेरिटेज फाउंडेशन मिलके, ये हम सब मिलके आज के विश्व विरासत दिवस है तो उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर ये वॉक हो रही है। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक हमारा जो डुग्गर का फोक आर्ट है उसके ऊपर एक ब्रोशर भी रिलीज़ किया जाएगा। सर कितने बच्चे और कहाँ कहाँ से बच्चे आए हुए हैं? देखिए आज हमारी वॉक में 50 के करीब हैं और हमने ये कोशिश की है कि सब तरह से लोग आएँ। जैसे एक ग्रुप हमारा चनहनी से आया है, एक अखनूर से आया है, और चूंकि धीरे धीरे अब हम सोशल मीडिया का यूज़ करके सबको बोलते हैं और मैं भी एक वजह ये रही क्योंकि थोड़ा सा कोरोना का प्रकोप भी चल रहा है, लोग थोड़ा अवॉइड भी करते हैं, लेकिन आज भी अच्छा ग्रुप है। और हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि लोग चाहे कम हों लेकिन बात को सुनने वाले हों, हेरिटेज में इंटरेस्ट रखने वाले हों और हेरिटेज को जानने का शौक रखते हों, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं वो ऑलरेडी आ रहे हैं, स्पेशली जो हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें जो हमारा हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट है और टूरिज्म मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, इनके बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। हमारा के अंदर ही ये प्रयास चलता रहता है। आज की जो हेरिटेज वॉक है, 97th हेरिटेज वॉक हो रही है यहाँ पर और इसमें बड़ी जल्दी हम 100 वॉक्स भी पूरा करेंगे, तो हमारा ये चलता रहता है हेरिटेज वॉक। इसमें सैटरडे का दिन जो है वो हेरिटेज वॉक के लिए फिक्स है, बट कई बार कुछ प्राइवेट लोग ऐसा होता है जो स्टूडेंट्स नहीं है कि हम संडे को आना चाहते हैं तो हम संडे को भी हेरिटेज वॉक ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी फिलहाल जैसे कि आप सब लोग देख ही रहे हैं कि आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है, तो हम लोग आज यहाँ पर हेरिटेज वॉक के लिए आए हैं। बहुत सारी जगहों पे आजकल मोन्यूमेंट्स को जो डिस्प्ले किया जा रहा है, बताया जा रहा है, जैसे कि आप सब लोग इससे अवगत हैं कि यूनेस्को हेरिटेज जितनी भी जगहों पे हैं वहाँ पे ये प्रमोट किया जा रहा है कि जितने ज़्यादा साइट्स हैं, जितने ज़्यादा हेरिटेज हैं उसे हम लोग सेव कर सकें किसी तरीके से। उसी प्रकार आज यहाँ पर भी हमें लाया गया है ताकि हमें इस मुबारक मंडी कम्प्लेक्स के बारे में बताया जाए, इसके अंदर की कंस्ट्रक्शन से लेकर। मैं आया हूँ, मुझे यहाँ पे कृपाल सर जी द्वारा बुलाया गया है। आज वो हमें बता रहे हैं कि इस इतिहास से जुड़ी हुई बहुत सारी रोचक बातें जो शायद ही बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो मैं तो पहले उनका थैंक यू करना चाहूँगा कि आज वो इस तरीके की वॉक जो है वो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं ताकि हम सब लोग बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले सकें और अपने इतिहास के बारे में जान सकें। कोरोना महामारी बढ़ रही है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क अवश्य पहनें। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, मास्क पहने बिना घर से बाहर ना निकलें तथा अपने दोस्तों व मित्रों से हाथ ना मिलाएं, आपस में दूरी बनाए रखें और किसी भी लावारिस वस्तु को देखकर। आज डिवकॉम साहब बेसिकली देखना चाह रहे थे कि हमारे जम्मू में कितनी साफ सफाई है। कोरोना की वजह से भी थोड़ा सा उनका ये टोर था कि मंदिर है, नवरात्रे चल रहे हैं तो पूरे शहर को देखा जाए, और उन्होंने देखा पूरा शहर, एक एक जगह पे वो गए और एक बहुत खूबसूरत मूव था, शहर उन्होंने काफ़ी हद तक ठीक पाया। तो चलो हमारा, हम लोगों की जेएमसी की पूरी कोशिश है कि हम लोग बेहतर परफॉर्म करें। हमारे लोग भी आजकल दिन रात काम कर रहे हैं, रमज़ान है और रमज़ान के साथ साथ आप देख लीजिए नवरात्रे हैं, तो हमारे लोगों का काम काफ़ी बढ़ गया है। पर ये लोग सब मुस्तैदी से, हमारे सेंट्री इंस्पेक्टर, हमारे सैनिटेशन ऑफिसर्स, हमारे सफाई कर्मचारी, सब लोग लगे हुए हैं काम पे, और ऊपर से हमारी कमिश्नर मैम भी हर वक्त कहीं ना कहीं वो भी पहुंच जाते हैं चेक करने के लिए। बहुत अच्छा चल रहा है। डिवकॉम साहब इसीलिए आके देख रहे हैं कि और क्या बेहतर और चीज़ें क्या करवाई जाएँ, किस तरह से इस चीज़ को और बेहतर प्रेजेंट किया जाए और क्या क्या स्कोप है, तो उसके लिए भी ही इज़ वेरी पर्टिकुलर। مشکل سٹھا مشکل یوت کشمیر من کن گام مشکل یوت شمار کیا بالکل نکل بالکل نکل بالکل نکی فقط دہ دہ تر تر پنژہ پنژہ گاڑی ہیتھ نوان اور تو کمان کمان کہ نا یہ سارے ہزن نوٹسن مز مگر کم نکران کا بالکل نکل بالکل گئی تل مکان مزہ تل کن آب اکیا وچان چکنا لانگ بوٹ اس لاگت
سختی من آمد از هن سختی من مصیبت است من مصیبت است من و چه سوزن دی سی صاحب گاد دی سی صاحب چن سوزن اصل چن سوزن گاد دی سی صاحب چن سون مانن کی اچن کوهن مانا اچن پرسانی کا تو وی کیا شوتو بن آرام واتن از گس آرام واتن از گس سار بن از گس دین بن اب گس کی نکاسی گس یت اب گس کی حسابا گچ گس نبر نیرن اس کی تیم بام گاد دوہی دوہی مہربانی کر سون کرتا کیا چار السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان بشیر احمد خان، خیر مقدم ہے آپ کا جے کے نیوز بریکس میں۔ میں آج آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈسٹرکٹ گاندربل کا ایک آخری گاؤں جو آتا ہے وہ آتا ہے شیخ زوا، وہاں پر اس وقت اتنی بڑی پرابلم ہے کیونکہ پورا جو سسٹم ہے ان کا سکول، ان کے جو گھر ہے، ان کے جو کارخانے ہیں وہ بالکل پانی میں ڈوب چکے ہیں، کیونکہ چند دن پہلے، پانچ دن پہلے بارشوں نے کشمیر میں آغاز دیا، دستک دی، اور اسی کے سہارے سیلاب کی صورت ہوئی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ جو ان کا روڈز جو ہے یا سکول بلڈنگ جو ہے وہ زیر آب ہے۔ کیمرامین عمر افضل کے ساتھ بشیر خان کو دیجیے اجازت۔ خدا جائے گا جو ہم سے ٹکرائے گا، جائے گا ابھی تلی انگڑائی ہے، آگے اور لڑائی ہے، ابھی تلی انگڑائی ہے، آگے اور لڑائی ہے، چھین کلیں گے اپنا حق، چھین کلیں گے اپنا حق، ملازم ایکتا زندہ باد، ملازم ایکتا زندہ باد، ملازم ایکتا زندہ باد، صفائی کرمچاری یونین زندہ باد، صفائی کرمچاری یونین زندہ باد، جو ہم سے ٹکرائے گا چورا چورا جائے گا، جو ہم سے ٹکرائے گا چورا چورا جائے گا، جو ہم سے ٹکرائے گا چورا چورا زندہ باد، ملازم ایکتا زندہ باد، ملازم ایکتا زندہ باد، ملازم ایکتا زندہ باد، ملازم ایکتا زندہ باد، صفائی کرمچاری یونین زندہ باد، صفائی کرمچاری یونین زندہ باد، صفائی کرمچاری یونین زندہ باد، ملازم ایکتا زندہ باد، ملازم ایکتا زندہ باد، جو ہم سے ٹکرائے گا چور چور ہو جائے گا، جو ہم سے ٹکرائے گا چور چور ہو جائے گا، جو ہم سے ٹکرائے گا چور چور ہو جائے گا۔ پریزیڈنٹ سیلکس فائی کرمچاری یونین جموں میونسپل کارپوریشن، جیسے کہ کرونا وائر جو کہ صفائی کرمچاریوں کو کرونا وائر کہا جاتا تھا، لیکن یہاں پر میونسپل کارپوریشن میں آج انہی کرونا وائر کو ایک سزا دی جا رہی ہے، جیسے کہ غلام بنایا جا رہا ہے۔ جیسے آج جو لیفٹیننٹ گورنر صاحب ہیں ہمارے، ان کا ایک آرڈر نکلا ہوا ہے کہ رات کو 10 بجے کرفیو لگے گا اور 6 بجے تک کرفیو ہوگا، لیکن یہاں پر ہمارے جو ہیلتھ آفیسر ہیں جنہوں نے ایک آرڈر نکالا ہوا ہے کہ 6 بجے سے لے کے 6:30 بجے تک جو کہ صفائی کرمچاری، جو کرونا وائر اور سپروائزر کا ٹائم ہے، اگر وہ 6:30 بجے تک اپنی اٹینڈنس پوائنٹ پر نہیں ہوتا ہے تو اس کی آبسینٹ لگے گی۔ یہ صفائی کرمچاریوں کو پھر ایک بار غلام بنانا چاہتے ہیں، لیکن میں میڈیا کے مدم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے کمشنر صاحب ہیں وہ ملازموں کے ہت کی بات کرتے ہیں، لیکن جو یہ ہیلتھ آفیسر آئے ہیں انہوں نے پورے ملازموں کو پریشان کر دیا ہوا ہے۔ جیسے کہ ابھی کل ہمارا ایک بھائی جو سپروائزر تھا وارڈ نمبر 34 میں، اس کو انہوں نے صرف 15 منٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے اس کا جو سسپینڈری آرڈر ہے وہ نکال دیا ہے۔ تو میں میڈیا کے مدم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان حرکتوں سے اگر آفیسر باز نہیں آتے ہیں تو میونسپل کارپوریشن کے جو ملازم ہیں وہ ایک بار پھر سڑکوں پر اتریں گے اور اپنے حقوں کے لیے جیسے پہلے لڑتے تھے ویسے ہی لڑیں گے۔ تو یہ جو آرڈر ہے اس کو فوراً طور پر واپس لیا جائے، نہیں تو آگے کی جو لڑائی ہوگی ہماری بہت ہی بھیانک ہوگی۔ تو میں میڈیا کا دھنیہ واد کرتا ہوں جو ہمیشہ ہماری آواز کو بلند کی۔ Thank you.
ठीक है, हो गया। तो वार्ड नंबर 48 के जैसा अवेयरनेस के ऊपर स्वच्छ भारत के तहत जहाँ पर एक जो कंपटीशन रखा गया है, ड्राइंग कंपटीशन रखा गया है बच्चों का, तो बच्चे उस पर ड्राइंग करें, जो बच्चे हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको अवार्ड भी दिए जाएंगे। इसका जो थीम है कि हमने अपने भारत को कैसे स्वच्छ रखना है, अपने एरिए को, बहु फोर्ट के बच्चे हम अपने बहु फोर्ट को कैसे साफ रख सकते हैं, उसी के लिए उपलक्ष्य में हम अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, जैसे हमारा जो जैसे बायोडिग्रेडेबल जो है हमारा है वेस्ट है, उसको खाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी वाले को बाय प्रोडक्ट बनाने के उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह उसकी सेग्रीगेशन कैसे करनी है, अपने भारत को, अपने बहु फोर्ट को, अपने घर को कैसे साफ सुथरा रखना है, उसी का आज का ये थीम है स्वच्छ भारत के अभियान के JMC की ओर से ये प्रोग्राम जो रखा गया है, ये कैंप जो रखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे कुछ सीखेंगे और इसी को जाके घर जाके रेप्लिकेट करेंगे, घर वालों को भी बताएंगे कि हमें ऐसे साफ सुथरा रहना है। जैसे आपको पता है WHO के मुताबिक 80% जो बीमारियाँ होती हैं वो गंदगी और गंदे पानी से होती हैं। उनके बचाव के लिए, उनके बचने से लिए हमारे पास उपाय जो बचता है वो है कि हमें अपने आप को, अपने वातावरण को हमें स्वच्छ रखना है। लोगों के अंदर जब तक, जम्मू के लोगों के अंदर जब तक अवेयरनेस नहीं होगी कि ये जम्मू हमारा है, ये घर हमारा है, ये गली कूचा हमारा है, इसे हमें ही साफ रखना है, जब तक ये सेंस नहीं हमारे अंदर पैदा होगी हम जम्मू को साफ नहीं रख सकते। लिहाजा हमें आज का जो जो कैंप है, हमें उम्मीद है कि जो बच्चे हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उन बच्चों को इनाम भी दिए जाएंगे और बच्चे आज के कंपटीशन में जो स्वच्छ भारत के अभियान के तहत जो रखा गया है उसमें कुछ सीखेंगे। जय भी जय भारत। के न्यूज़ ब्रेक में आपका स्वागत है। अब तक की COVID-19 को लेकर पूरे भारत में तेज़ी से लहर दूसरी आ चुकी है, उसी को लेकर अब तक की अपडेट आपको बता रहे हैं हम। वैक्सीनेशन को लेकर वैक्सीनेशन का प्रोसेस बहुत तेज़ी से चल रहा है। अब तक 12.25 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे भारत में लग चुकी है 95 डेज में। फर्स्ट डोज जो लगी है अभी तक और सेकंड डोज जो लगी है अभी तक की वो 1.61 करोड़ लग चुकी है सेकंड डोज। और अब तक के न्यू केसेस जो पूरे भारत में आए हैं लास्ट पिछले 24 घंटों में 2,61,500 केसेस पूरे भारत में आ चुके हैं न्यू केसेस। और जो ग्राफ है वो लो लेवल से हाई लेवल पर जा रहा है कोरोना के लेके। और पूरे इंडिया की बात करें जो पिछले 4 दिनों में जो केसेस आए हैं वो 2,00,000 केसेस आए हैं। और आपने UT ऑफ JNK की बात करते हैं जहाँ पे 1,145 केसेस पिछले 24 घंटों में आए हैं और जम्मू डिवीज़न में 503 और कश्मीर डिवीज़न में 642 केस आए हैं पिछले 24 घंटों में, और जो डेथ हुई हैं वो 3 हुई हैं। उसी को लेके हम बताते हुए अकॉर्डिंग जो रिकवर्ड हुए हैं केसेस वो हुए हैं 852 पेशेंट जो रिकवर्ड हुए हैं, जम्मू से हुए 373 और कश्मीर से हुए 489 केस। वैक्सीनेशन को लेके प्रधानमंत्री जी का भी मैसेज है लोगों को कि जितने भी लोग हैं 45 से ऊपर वो वैक्सीनेशन सेंटर नियर बाय जो भी है वहाँ जाके टीकाकरण की सुविधा प्राप्त करें। और कोरोना महामारी जो पूरे भारत में बढ़ रही है उसको लेके आप मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और हैंड वॉश ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने में जब भी आप कहीं कुछ खाते हैं उसमें आप सैनिटाइज़र का यूज़ करें, हैंड वॉश करें और 2 गज की दूरी बना के रखें। सर आपका क्या नाम है आपका? आपको कैसा लगा जहाँ पे आके? बहुत अच्छा व्यू। और आपके चालू खा रहे हो जहाँ पे तो बहुत मशहूर है, कैसा लगा जी खा के आपको? हाँ जी मास्क कहाँ आपका? हाँ जी और लड़के एक आपको पेटी में डाल दिया। अच्छा पेटी में डाल दिया, आपने मास्क पहना क्यों नहीं है? आपको पता COVID-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, पता आपको? तो आपको किसी ने पूछा नहीं यहाँ पे? हाँ जी आपका मास्क कहाँ है?
चेन नहीं पहला सर, आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, तो प्लीज सर इसको भी आप थोड़ा फॉलो करें। आप 5 मिनट इधर आप देखोगे ना, 5 मिनट लगा रहे हैं, उसके बाद आप कहीं और चल जाओ कार के। हमने सभी सभी को करना है, ठीक है सर, प्लीज आप फॉलो कीजिए। मैं तो फॉलो करूंगा मैम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, मास्क भी लगाना मुझे। ओके सर। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक के साथ। अभी हम चिची माता जहाँ पे लाइव आपको दिखाने के लिए लाए हैं। कोविड-19 का जो कहर है अभी तक खत्म नहीं हुआ, और लोगों के जो आप देख सकते हैं जो मतलब कोविड-19 को देखकर उसके माध्यम में रखे कि अभी कुछ लोगों को जहाँ पे बताया गया है कि कोविड-19 की कवर करना बहुत जरूरी है, और जहाँ के जो लोग हैं, जो मुलाजम है, जहाँ पे वर्कर हैं, उन्होंने बिना मास्क पे जहाँ पे काम कर रहे हैं, और वो बाकी जो लोग जहाँ पे यात्रा के लिए माँ के दर्शन करने श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? श्रद्धालुओं ने अपने मास्क पहने हुए हैं, और जो दुकान पे जिन्होंने जहाँ पे दुकानें खोली हुई हैं वो बिना मास्क पे बैठे हुए हैं। आप देखते रहिए जेके ब्रेक न्यूज़, प्रीति शर्मा के साथ, जय हिंद। सोशल एक्टिविस्ट थन्ना मंडी से आज मीडिया के सामने गुफ्तगू करने का जो मकसद हमारा वो यही है कि थन्ना मंडी जो हमारी ये तहसील है हमेशा सियासत का शिकार हुई है, और सबसे अहम और अशद जरूरत यहाँ पे बस स्टैंड की है। बस स्टैंड ना होने की वजह से यहाँ के जो पब्लिक है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। यहाँ की एम्बुलेंस, यहाँ की इको गाड़ियाँ, यहाँ की बहुत सारी जितनी गाड़ियाँ सब दरबदर हो रही हैं सिर्फ बस स्टैंड ना होने की वजह से। हम डीसी साहब से, पूरी आवाम थन्ना मंडी की तरफ से अपील करते हैं कि हम थन्ना मंडी के जो बस स्टैंड है इसका ड्राइवर का चार्ज का ज्यादा ड्राइवर का। पुलिस का काम जो है वो समाज के अंदर अमन व कानून बहाल करना है। पुलिस जो है हमारी इस वक्त फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स में ये लोग आते हैं, तो हमें इस वक्त हमारे जो एसएसपी साहब हैं डॉक्टर विनोद कुमार हैं, और साथ में हमारे एसएचओ स्टेशन होस ऑफिसर पुंछ जो है एसडी सिंह साहब, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त दिन रात ये लोग एक कर रहे हैं, रात को ड्यूटीज़ भी देख रहे हैं, जो हमारा मंशियात का चक्कर है, ड्रग जो मैनेस है उसको भी चेक कर रहे हैं, मिलिटेंसी को भी देख रहे हैं। तो उसके बावजूद अब पुलिस की यहाँ तक नौबत आ गई है कि वो हम लोगों से ये कह रही है कि अपनी जान बचाने के लिए आप मास्क पहन लें। तो पुलिस का तो इस वक्त मल्टीफेरियस रोल है, पुलिस का इस वक्त जितना काम है मैं समझता हूँ कि किसी भी डिपार्टमेंट का इतना काम नहीं है, इतना वर्कलोड नहीं है कि जितना पुलिस का। पुलिस का काम सिर्फ ये है कि लॉ एंड ऑर्डर देखना, और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के साथ ड्रग्स भी देख रही है, मिलिटेंसी को भी देख रही है, क्राइम को भी चेक कर रही है, और अब हम लोगों से ये भी कह रही है कि मास्क पहनिएगा, अपनी जान बचाइएगा। तो पुलिस को इस वक्त बेमिसाल में, और खास तौर पर सरहदी जिला पुंछ में पुलिस का जो रोल है, पुलिस का जो किरदार है वो काबिले तारीफ है। मुबारकबाद देते हैं एसएसपी साहब को भी, और हमारे जो एसएचओ साहब हैं यहाँ पर इज ए क्वाइट ह्यूमन यू सी पर्सन, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, उन्हें पुलिस के साथ पूरा पूरा सहयोग होता है। सबसे पहले तो मैं आप मीटिंग वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हफ्ता हफ्ता जो कोविड-19 जब से शुरू हुआ है उसमें आप कवरेज पूरी दे रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर भी नमाज जो अदा होती है सोशल डिस्टेंस की वजह से रखते हुए यहाँ पर नमाज अदा की जाती है। बाकी रहा जैसे पिछले साल जो टोकी बिल्कुल बंद था, उससे पहले जैसे यहाँ नमाजें होती थी आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है कि लोगों को खुद ज़्यादा है दोबारा ये तीसरा फेज जो है या दूसरा फेज जो है लॉकडाउन का
इसका जो बह रहा है बहुत ही खतरनाक बह रहा है। इस वजह से हम भी, हमारी कमेटी भी, खासकर हमारे मुफ्ती साहब, मुफ्ती मिस फारूक अहमद भाई साहब, जिसने वो लोगों को खासकर बेहतर कर रहे हैं, बार बार ये अपनी स्पीच में, तकरीर में कह रहे हैं कि एहतियात करें, एहतियात करें, एहतियात करें, क्योंकि वबा ऐसी है चीज़ जिसका कंट्रोल तो है नहीं कहीं पर, तो इसलिए हर आदमी कोशिश करता है कि अपने आप को बचाने के लिए।